बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अरेबियन डेजर्ट को अरबी मिठाइयाँ या अरबी मीठा कहा जाता है। ये मुख्तलिफ किस्मों में आती हैं। अरबी डेजर्ट में शहद, चीनी, खोए, ड्राई फ्रूट्स, नट्स और मुख्तलिफ खुशबू होती हैं। ये मिठाइयाँ मुख्तलिफ मौसमों और खुसूसी मौके पर, यानी ये ईदें, खुशियाँ और खुसूसी तकरीबात में बनाई जाती हैं। ये मिठाइयाँ अरब दुनिया भर में मशहूर हैं और हर इलाके में अपना ख़ास अंदाज और जायका रखती हैं। अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं, तो ये झटपट बन जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शीरा तैयार करेंगे हम। शीरे के लिए चीनी ली है। चीनी ये मैंने लिए 4 टेबल स्पून। इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। और इसे मेल्ट करके इसमें हम डालेंगे लेमन जूस और अर्के गुलाब। ये देखिए चीनी हल हो गई है। अब इसमें लेमन जूस इसलिए डालेंगे ताकि ये हार्ड शीरा ना बने, चिपके ना आपस में। तो 1/2 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है। और 1/4 टेबल स्पून लेंगे अरके गुलाब, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे, लेकिन इसमें हम तार नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा, इसे उतार के साइड में रख देंगे। अब जो हमने डिज़र्ट बनाने के लिए डिश ली है, उसे हम ग्रीस कर लेंगे। ताकि ये इसमें चिपके नहीं। अब डिज़र्ट बनाने के लिए हमने एक पतीले में 1/2 kg दूध को गर्म कर लिया। और इसमें हम चीनी डालेंगे। मिठास के मुताबिक डालें, जितना आपको मीठा रखना हो उस हिसाब से डालें। जिनको ज़्यादा मीठा पसंद है वो ज़्यादा मीठी, मीठा करने के लिए 5 स्पून ले सकते हैं। मैंने 4 स्पून लिया है नॉर्मल मीठा, 3 या 4 स्पून भी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से लें कि जितना मीठा पसंद है। इसको हम इसमें हल कर लेंगे अच्छी तरीके से। फ्लेम ऑन किया हुआ है, उस पर पक रहा है, ये पका हुआ दूध है। और उसको हम हल करने के बाद इसमें डालेंगे सूजी। ये हमने लिए सूजी जो कि 1.5 पाव है, 1/2 किलो दूध के लिए 1.5 पाव सूजी। इसे हम इसमें डालते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हल करते जाएंगे। सूजी जब दूध में जाती है तो गाढ़ा होना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे पकती जाएगी वो हार्ड होती जाएगी। इसमें हम 1/2 टेबल स्पून डालेंगे अरके गुलाब और इसे जब तक पकाएंगे तब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। ये इसने ऐसे जगह छोड़ दी है ना, तो अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। देखिए हमने डिश में निकाल लिया इसको, जैसे ये हार्ड हुई यानी कि इसने पतीला छोड़ दिया था। अब इसमें हम इसको सेट कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरह सेट कर लिया हमने इसको। अब इसे हम ठंडा करने के लिए 1/2 घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में। अब देखिए डिज़र्ट बना रहे हैं, इसके लिए हमें जो क्रीम चाहिए होगी वो 2 पैकेट हमने लिए हैं एक बाउल में। और इसे हम व्हिप करेंगे
और इसमें हम डालेंगे चीनी, इसको हमने इस तरह बारीक पीस लिया है। तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ले लें आप बारीक पीसी हुई चीनी, और इसको इस तरह पहले मिला लें, उड़ेगी नहीं, इस तरह ही मिक्स हो गई। अब हम इसे व्हिप करेंगे। अभी देखिए हमने इसको व्हिप कर लिया, अब हम इसे डिज़र्ट में डालेंगे। अब देखिए सूजी ठंडी हो गई है, इस तरह आप एक टूथपिक लेके इस तरह इसको व्हिप कर लें इस तरह, ताकि वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। अब इसमें आप दूध डाल लें, थोड़ा थोड़ा सा फैला दें उसको इस तरह से। और जो हमने क्रीम व्हिप करके रखी है इसे अब हम इसमें डालेंगे और चारों तरफ फैला देंगे। अब ये देखिए हमने बिस्किट का चूरा लिया है, इसको हम डालेंगे। अब देखिए इसको गार्निश करेंगे हम बादाम या पिस्ते से, हम बादाम डाल रहे हैं। अब हम इसे रख देंगे फ्रीजर में आधे घंटे के लिए ठंडा होने, और फिर आपको दिखाएंगे। तैयार है अरेबियन नाइट डिज़र्ट। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स दीजिए। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई डिश के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। जो शुगर सिरप बना के रखा था वो अब हम इसमें डालेंगे।